Okay, fine. So we'll start with the concept like same thing that we had yesterday covered. Okay. So कल हम लोग जो है कि last concept हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि tables. Fine. Tables हम लोग check it out कर रहे थे and tables में किस तरह से हम लोग table define करते हैं, right? Table का caption कैसे हम लोग डाल सकते हैं, कैसे add कर सकते हैं. तो उस तरह से हम लोग टेबल्स के डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग चेक इट आउट किए थे और हम लोगों ने उसको देखा था. फाइन. सो उसके बाद टेबल के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग टेक केयर करेंगे, जिसको हम लोग लुक करके देखते हैं कि किस तरह से उसमें वर्क इट आउट होते हैं. और फाइन. तो अगर हम लोग आगे मूव करें कि टेबल्स में और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक होते हैं टेबल्स में, फाइन, उनको और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग चेक इट आउट कर सकते हैं या फिर क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं. फाइन. सो जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ पर एक सैम्पल अभी यहाँ पर देख रहे हैं, पहला हम लोगों ने देखा था कि टेबल किस तरह से हम लोग करते हैं, टेबल हेडिंग क्या है, टेबल डेटा क्या है, एक टेबल में हम लोग रो ऐड कैसे करते हैं. फाइन. ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने कल देखा था. आज जो है कि हम लोग टेबल्स के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स टेक केयर करेंगे, ठीक है, जो कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट अगर टेबल्स का चेक इट आउट करें तो हम लोग देखेंगे कि सेल स्पेसिंग क्या होता है. फाइन. पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि सेल स्पेसिंग क्या है एंड फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल पैडिंग क्या होता है टेबल में. फाइन. आफ्टर दैट विल सी कि रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे टेबल्स में कि किस तरह से ये हमारा वर्क इट आउट होता है, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, क्या काम इसमें हम लोगों को करना होता है. फाइन. तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और सबसे हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है सेल स्पेसिंग. फाइन. सो बेसिकली हम लोगों को क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पर हम लोग अभी अगर पिक्चर में यहाँ पर देखें तो हम लोगों का यहाँ पर टेबल इस तरह से क्रिएट हुआ है. फाइन. अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सपोज ये हम लोगों का टेबल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, टेबल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. सो बेसिकली करना क्या है कि सेल स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं. मीन्स सेल स्पेसिंग कहने का मतलब है कि स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, ठीक है, जो भी हमारा टेबल में यहाँ पर सेल्स दिख रहा है, जैसे कि अभी स्टूडेंट नेम एक सेल है, फिर क्लास है, फिर रोल नंबर है, उसी तरह से यहाँ पर राम है 1 है, रोल नंबर इसका 1 है, श्याम है 2 है, 30 है. फाइन. तो इस तरह से हमारा सेल जो हर एक इंडिविजुअल सेल से उसके बीच में हम लोग स्पेस कैसे दे सकते हैं. अगर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अभी देखिए यहाँ पे वेरी क्लोज, अभी सारे जो डेटा हैं वो एक दूसरे का क्लोज अभी दिख रहे हैं, बट अगर हम लोग इसको यहाँ पर प्रोवाइड और करना चाहते हैं स्पेस, तो हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, सेल स्पेस एट्रीब्यूट. फाइन. तो जैसे कि हम लोगों ने कल क्या देखा था कि बॉर्डर यूज़ करके हम लोग बॉर्डर यूज़ कर रहे थे, तो उसी तरह से हम लोगों का जो है अगर हम लोग सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं. फाइन. सेल स्पेसिंग यूज करते हैं, सेल स्पेस इक्वल टू सपोज अभी मैं 5 देता हूँ, राइट, यानी 5 पिक्सल. सो जस्ट वॉच इट, अभी हम लोगों का स्पेस उतना ज़्यादा यहाँ पर सेल्स के बीच में नहीं है. सो नाउ वी विल सेव दिस कोड, एंड कोड को हम लोगों ने सेव किया. नाउ हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं. सो यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व द स्पेस बिटवीन सेल्स गेट्स इंक्रीज. फाइन. उसी तरह से अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर अभी 15 कर देता हूँ, लेट अस सी फॉर मोर विजिबिलिटी. सेव किया कोड को, फिर से हम लोग ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं. फाइन. सो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा स्पेस जो है बिटवीन दी सेल्स, हर एक सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है ना सबको? ओके. सो इसी तरह से हम लोग सेल्स का टास्क हम लोगों का होता है. फाइन. सी 25 पिक्सल मैंने कर दिया, तो सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो 25 पिक्सल इस तरह से यहां पर इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो यहां पर किन्हीं को
कोई कंफ्यूजन सेल्स पिचिंग के कॉन्सेप्ट में? तो सेल्स पिचिंग का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग का कहने का मतलब है कि लाइक जो हमारा पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, सपोज़ ये स्टूडेंट नेम का जो सेल है, इस सेल में कंटेंट जो हम लोगों का क्या है, स्टूडेंट नेम कंटेंट है। इस कंटेंट और जो हमारा सेल का जो एरिया है, जो इनसाइड एरिया है, उसके बीच में सम स्पेस अगर हम लोग देना चाह रहे हैं, अभी सी अभी जितना भी हम लोग यहाँ पर देखें, स्टूडेंट नेम को देखें या फिर राम को देखें या फिर श्याम को देखें, उसी तरह से 1 2 जो भी हैं, फाइन। सो क्या हो रहा है कि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेल पैडिंग, ठीक है, सेल पैडिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा को जो है उसको स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं इन बिटवीन। तो सपोज अगर मैं अभी 10 पिक्सल्स यहाँ पर देता हूँ सेल पैडिंग, तो यू कैन सी हम लोगों का जो एलिमेंट्स था, जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट है, उसके साइड्स में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया, फाइन। इस तरह से तो सेल पैडिंग हमारा यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको आप और भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज करके टेबल्स के जो डेटा हैं, जो पर्टिकुलर सेल्स के जो डेटा हैं, उसके बीच में जो है एक स्पेस क्रिएट होता है, दैट इज नॉन एज अ सेल पैडिंग, फाइन। सो सेल पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पर सेल्स पैडिंग में कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को? ओके, सो लेट अस मूव अहेड। तो इसको हम लोग अभी नॉर्मली 5 पिक्सल अभी रखते हैं, सो दैट टेबल जो है थोड़ा सा हम लोगों का प्रॉपरली विजिबल हो, फाइन। तो कॉन्सेप्ट सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यहाँ पर इस तरह से था, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज एक हम लोग जो टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, वो जो टेबल है हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल रखना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल क्रिएट होगा और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स के डिटेल्स रखते हैं। सपोज अभी मैं इस तरह से एक टेबल यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर पहला में हम लोग क्या रखते हैं, सपोज क्लास का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम मेंशन करते हैं, और तीसरा में उन लोगों का रोल नंबर रखते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पे चाह रहा हूँ कि क्लास 1 में, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, फाइन। तो सपोज 1 में जो है अभी हमारे पास पहला स्टूडेंट अगर सपोज राम है, दूसरा स्टूडेंट्स श्याम है, ठीक है, मोहन है, इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं, रोल नंबर इसका 1 है 2 है और इसका सपोज 3 है। उसी तरह से सपोज हमारे पास और भी वैल्यूज़ हैं, लाइक अगर क्लास 2 का बात करें तो क्लास 2 में हमारे पास कृष्णा है, इनका रोल नंबर अगर बात करते हैं तो सपोज इनका 30 है रोल नंबर, इनका 50 है, इसका सपोज 60 रोल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है कि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, सपोज ये सेल्स को हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है, मर्ज करके हम लोग यहाँ पर इसको ये किए, क्लास 2 का डेटा के लिए इसको मर्ज कर रहे हैं, फाइन। तो इस तरह से हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि टेबल के स्ट्रक्चर को डिजाइन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली एक कॉलम में हम लोग यहाँ पर और 2 वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा हम लोग 2 रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग टेबल्स को यहाँ पर मर्ज कर दिए और इसको हम लोग सपोज बनाते हैं टोटल। टोटल क्या हो सकता है हमारा स्टूडेंट, सपोज बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने स्टूडेंट हमारे पास टोटल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
तो अगर इंडिविजुअल हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मेरे पास बॉयज़ 10 हैं और गर्ल्स 50 हैं, उसी तरह से इन क्लासेस का सारा का डेटा यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास ये होगा। तो सपोज इसी तरह से हम लोग इसको मर्ज कर देते हैं। ओके लेट इट बी, मर्ज हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मली इतना ही हम लोग अभी रखते हैं, फाइन। तो हम लोगों का प्लान है कि इस तरह से हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मली यहाँ पर हम लोगों का मर्ज है कितना रो, 3 रोज, फाइन। 3 रो हम लोगों का यहाँ पर मर्ज है। इस तरह से हम लोग डेटा को अपना डिज़ाइन करना है, हम लोगों को टेबल इस तरह से हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि हम लोग इस तरह का टेबल जो है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर टेबल्स में देखें तो पहला जो हमारा रो है वो तो एज इट इज़ है, उसमें कोई किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक रो में एक एक वैल्यूज़ है, फाइन है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग जब यहाँ पर दूसरा सेकेंड रो में आते हैं तो यहाँ हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को 1 2 3, यानी 3 रो को मर्ज किया गया है, फाइन। 3 रो को मर्ज करके क्या बनाया गया है, एक रो बनाया गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी सेकेंड रो को क्या किया गया है यहाँ पर, कि यहाँ पर इतने 3 रो यहाँ पर मिल के एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस रो के अंदर हम लोगों का 1 2 3 वैल्यू है। उसी तरह से जो है ये हम लोगों का पर्टिकुलर रो है जो कि फर्दर डिवाइडेड है, फाइन। तो इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि 2 कॉलम को मिला करके हम लोग डेटा को एक कॉलम में, जो हम लोग का टोटल जो कॉलम है वो जो हेडिंग है टोटल का वो किस तरह से है, हेडिंग जो हम लोगों का टोटल का है वो कॉलम 1 और कॉलम 2, ये दोनों कॉलम मिला करके यहाँ पर ये टोटल शो हो रहा है, फाइन। तो इस तरह से हम लोग कैसे क्या करते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग किस तरह से वर्क इट आउट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग बोलते हैं रो स्पेन और कॉल स्पेन, मतलब रो को कितना रो हम लोगों को मिलाना है, कितना कॉलम मिलाना है, ठीक है, कितना कॉलम को मर्ज करना है या कितना रो को मर्ज करना है, ठीक है। तो हम लोग जब भी टेबल डेटा को डिफाइन करेंगे तो उस समय हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितना कॉलम हम लोग का मर्ज हो रहा है। अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर कॉलम कितने मर्ज हो रहे हैं, 2, राइट, 2 कॉलम्स यहाँ पर मर्ज हो रहा है। यहाँ रो कितना मर्ज हो रहा है पर्टिकुलर में, 1 2 3 3 हो रहा है। तो जब हम लोगों को रो को जब मर्ज करना होगा, फाइन, रो को जब मर्ज करना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे रो स्पैन, और कॉलम को जब मर्ज करना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टेबल को अब हम लोग डिज़ाइन करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पुराना टेबल है हम लोग उसको डिलीट करते हैं, लेट अस सी, फाइन, इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, फाइन। सो टेबल हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं, टेबल, फाइन, क्लोजिंग टेबल टैग, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को कैप्शन चाहिए, फाइन, हमारा टेबल का टाइटल चाहिए। कैप्शन का वैल्यू क्या है, दैट इज अ स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स, फाइन। ठीक है, हम लोगों इसको सेव करते हैं एंड लेट अस रिफ्रेश द पेज। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स, हम लोगों का जो कैप्शन था वो कैप्शन आ गया, फाइन। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चाहिए एक रो क्रिएट करना है, फाइन। तो रो क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टीआर टैग, फाइन। तो हमारा रो क्रिएट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हेडिंग देना है। पहला हेडिंग क्या है हम लोगों का, क्लास। सेकेंड हेडिंग है स्टूडेंट नेम, और थर्ड हेडिंग हम लोगों का है वो है रोल का, ठीक है। तो हेडिंग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, TH यूज, क्लोजिंग TH, हम
हम लोगों को चार हेडिंग चाहिए, चार हम हेडिंग टैग ले लिए। अब हेडिंग्स का हम लोग नाम करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लास, राइट। फर्स्ट हेडिंग इज क्लास। सेकेंड हेडिंग वो हम लोगों का क्या है, वह है स्टूडेंट्स नेम का, फाइन, स्टूडेंट्स नेम। सिमिलरली थर्ड हेडिंग इज फॉर रोल नंबर। फोर्थ वन इज फॉर टोटल, फाइन। और हम लोगों का क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स, फाइन। इस तरह से हम लोगों का टोटल है। सो लेट अस सी, रिफ्रेश द पेज। यहाँ पर हम लोगों को देख सकते हैं कि हम लोगों का चार कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्लास, स्टूडेंट्स नेम, फाइन, रोल नंबर, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, फाइन। अब हम लोगों को बॉर्डर चाहिए टेबल का, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर इक्वल टू वन, फाइन। सो बॉर्डर्स भी हम लोगों के आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं रो को, फाइन। रो को हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डेटा के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे, यानी हम लोगों को चाहिए दूसरा रो, ठीक है। क्रिएट हो गया सेकेंड रो, फाइन। अब हम लोग इंसर्ट करते हैं डेटा, उसी तरह से हमारा आगे का भी डेटा होगा। टेबल्स में हम लोगों का क्या था, सपोज अभी मैं फर्स्ट को लीव आउट कर देता हूँ, सेकेंड जो है हम लोगों का है राम, श्याम, मोहन, तीन स्टूडेंट्स हैं। तो सपोज फर्स्ट को मैं लीव आउट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ राम को, श्याम, फाइन, ओके, वेट वेट। सो हम लोगों का पहला डेटा हम लोग चेक इट आउट करते हैं, इसको रिफ्रेश करके, फाइन, काम आ गया। सेकेंड जो है हम लोगों का क्या है, वो स्टूडेंट्स नेम है, रोल नंबर है, फाइन। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करते हैं। रोल नंबर राम का हम लोगों ने क्या रखा था, वन, फाइन, सिंपली वन, टेबल डेटा वन। तो इस तरह से हम लोगों का था। और टोटल्स में जो है हम लोगों ने फिर से क्या रखा था, यहाँ पर बॉयज में 10 है और गर्ल्स में 50 है, फाइन। सो पी डी इक्वल टू 50 बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है हम लोगों ने सपोज अज्यूम करते हैं 10 हमारे पास गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। क्लास का नेम अभी हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए अभी इंसर्ट नहीं हुआ। बाकी जो रोज हैं वो हम लोगों का पहला रो हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है। दैट इज़ इस तरह से हमारा ये क्रिएट हो गया, फाइन। उसी तरह से चलिए हम लोग सेकेंड को भी डेटा को इंसर्ट करते हैं। लेटस इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, सो दैट हम लोग और अच्छे से इस टेबल का डिजाइनिंग कर सकें। इसको भी जो है हम लोग मर्ज कर देते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट रो को यहाँ पर डिजाइन करते हैं, फाइन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोगों को क्या करना है, कि हम लोगों को रो और कॉलम को मर्ज भी करना है, फाइन। तो मर्ज करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, कि हम लोगों को जब रो मर्ज करना होगा तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रो स्पैन, फाइन। तो यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, थ्री रोज हम लोगों को मर्ज करना है। सो वी विल यूज, पहला में हम लोग क्या करेंगे, टेबल डेटा जो हमारा होगा वो तीन रोज को मिला करके होगा, इसलिए हम लोग रो स्पैन इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अभी भी सेम है स्ट्रक्चर, अभी तक कोई हम लोगों का चेंज नहीं हुआ है, फाइन। सो अब हम लोग आगे इसको डेटा फिर से इंसर्ट करते हैं, यानी नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको करते हैं टी आर, रो क्रिएट हो गया हमारा, फाइन।
तो अब हम लोग को रो में एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे बेसिकली क्या फोकस करना है कि यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने रो स्पेन कर दिया, यानी तीन रो जो है पहला का पहला कॉलम का वो मर्ज हो गया है। फाइन, आप लोगों का तीन रो हम लोगों का मर्ज हो चुका है। उसके बाद हम लोगों को अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम के वैल्यू को इंटर करना है, यानी रो टू का जो मेरा सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, श्याम, और इसका डेटा क्या है, टू। फाइन, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, सपोज टीडी श्याम। फाइन, और श्याम का रोल नंबर क्या है, टू है। फाइन, सो रोल इक्वल टू टू। लेट अस सी फॉर एन एग्जांपल, अभी अगर हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अभी आपका जिस तरह से आपको डेटा चाहिए उस तरह से आपका डेटा यहाँ पर अपीयर हो रहा है। फाइन, सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तीसरा डेटा भी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो तीसरा डेटा जो है हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक रो और क्रिएट करते हैं, ठीक है, और तीसरा स्टूडेंट्स का जो है उसका डेटा हम लोग करते हैं, दैट इज मोहन रोल नंबर थ्री, मोहन और रोल नंबर थ्री। तो इसको हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हम लोगों का अब यहाँ पर देखिए कि टोटल जो है हम लोगों का डेटा था वो जो है टेबल्स में इंसर्ट हम लोग का प्रॉपरली हो रहा है। फाइन, यानी अभी हम लोगों का तीन रो यहाँ पर मर्ज हो गया जो कि क्लास वन है, उसके बाद क्लास वन के अंदर तीनों स्टूडेंट्स आ गए हैं, और यहाँ पर आपका देख रहे हैं बेसिकली कि यहाँ भी जो है हमारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स है। यानी अभी हम लोगों को अब क्या करना है काम, ये तीन रो को भी हम लोगों को मर्ज करना है। फाइन, जो हम लोगों का जो डेटा था 10 और 50 बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उसके भी रोज को मर्ज करना है। तो हम लोग कोड में चलते हैं, हम लोग आते हैं ऊपर, हम लोग को 50 और 10 इसको भी मर्ज करना था तीन रो में, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रो स्पैन इक्वल टू थ्री, ठीक है। तीन रो तक किसको भी आपको मर्ज करना है, इस डेटा को भी रो स्पैन थ्री करते हैं हम लोग, इक्वल टू थ्री, तो थ्री सेल्स हम लोगों का मर्ज हो जाते हैं। फिर से अगर हम लोग रिफ्रेश कोड को करके देखें तो सी, अब स्ट्रक्चर आपका टेबल का एज इट इज़ हो गया। फाइन, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टेबल्स के डेटा को मर्ज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग अब क्लास टू का डेटा को ये करते हैं, तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर मर्ज करते हैं इस सेल को भी, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, सपोज़ मेरे पास 40 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं क्लास टू में, अब हम लोगों को क्लास टू का डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। यानी इस तरह से अभी हम लोगों का रो वन में ये डेटा आएगा, रो वन जो क्रिएट करेंगे वो रो वन में मेरा पूरा डेटा आएगा, लेकिन ध्यान क्या देना है, रो वन का जो पहला कॉलम है वो कितना स्पेस ले रहा है, थ्री रोज ले रहा है। फाइन, 1 2 3 रोज ले रहा है, और जो हम लोगों का कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ का वैल्यू है वो भी हम लोगों का थ्री रोज स्पेस डेटा ले रहा है। यानी हम लोगों को फिर से रो स्पैन यूज़ करना होगा, किस में, कॉलम थर्ड में, कॉलम फोर्थ में और कॉलम फर्स्ट में, ठीक है। यानी हम लोग इसको कोड में ओपन करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। फाइन, हम लोगों को नया रो क्रिएट करना है, तो कैसे होगा, PR, ओके, सो हम लोगों का रो क्रिएट हो गया। नाउ वी नीड टू इंसर्ट द डेटा। सो पहला डेटा हम लोगों का क्या है, दैट इज क्लास। सो विल मेंशन टीडी इक्वल टू क्लास टू, यहाँ पर टीडी एंड हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, तीन रो मर्ज करना है पहला कॉलम का, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रो स्पैन इक्वल टू थ्री, ठीक है, रो स्पैन इक्वल टू थ्री हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट कॉलम अब हम लोग का चाहिए, सो अगेन वी विल बी रिक्वायर्ड ऑफ td/td। तो इसका सेकेंड का डेटा क्या है, कृष्णा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे डेटा इसका कृष्णा। सिमिलरली
थर्ड कॉलम जो है वो है रोल नंबर का, और रोल नंबर हम लोगों ने क्या रखा है कृष्णा का, 30। सो विल मेंशन 30। फाइन, यहाँ तक क्लियर हो गया डेटा। अब हम लोग फिर से आते हैं, दैट इज कॉलम फोर्थ, ठीक है, और फिफ्थ कॉलम को भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, फिफ्थ। सो अब यहाँ पर हम लोगों का चेक करना है कि डेटा क्या है, 40 और 20, ठीक है, 40 भी हम लोगों का डेटा है और इसका 20 है। बट हम लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे क्या देखना है कि बेसिकली आप यहाँ पर चेक इट आउट करें तो ये रो जो है वो आपका मर्ज है, यानी कितना रो मर्ज है, 1, 2 और 3 रो मर्ज है हम लोगों का। फाइन, सेम ये कॉलम भी 3 रोज में हम लोगों का मर्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ भी हम लोग रो स्पैन यूज करेंगे, ठीक है, रो स्पैन सिमिलरली रो स्पैन इक्वल टू 3 और यहाँ भी इक्वल टू 3। फाइन, अब हम लोग क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। सी, हमारे पास जो है अभी क्या हो गया, डेटा हम लोगों का यहाँ पर आ गया है। फाइन, पहला जो रो का डेटा था वो पहला रो हम लोगों का एज इट इज क्रिएट हो चुका है। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रो इसका क्रिएट करेंगे, दैट इज tr एंड अगेन क्लोजिंग tr टैग। रो क्रिएट हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, टेबल में हम लोग को किस तरह से चाहिए, पहला तो हम लोगों का कॉलम में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि पहला कॉलम ऑलरेडी हम लोगों ने मर्ज किया हुआ है, यानी सेकंड कॉलम का वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम का वैल्यू क्या है, सोहन, और थर्ड कॉलम का क्या है, 50। उसी तरह से हम लोगों को कॉलम फोर्थ और कॉलम फिफ्थ का वैल्यू नहीं चाहिए कुछ भी क्योंकि ऑलरेडी दे आर मर्ज्ड, तो हम लोगों को दो ही डेटा इंसर्ट करना है, यानी डी दो टैग हम लोग लेते हैं कॉलम को डेटा को इंसर्ट करने के लिए, दो TD ले लिया, और इसमें हमको पहला क्या इंसर्ट करना है, दैट इज सोहन और उसका रोल नंबर 50। तो यहाँ पर मैंने सोहन ले लिया और जो थर्ड कॉलम था वो था उसका रोल नंबर 50, उसको ले लिया। कोड को सेव करते हैं, ठीक है, ब्राउज़र को रिफ्रेश किए। फाइन, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो है आपका रो वो मर्ज हो जा रहा है, यहाँ भी रो मर्ज हुआ है क्योंकि आफ्टर 3 स्पेस वो डेटा को वो लेगा ही अप टू 3। उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, तीसरा स्टूडेंट का डेटा चाहिए, अगेन हम लोग फिर से रो को क्रिएट करेंगे, एक रो हम लोग क्रिएट किया। फाइन, रो हम लोगों ने क्रिएट किया, कॉलम में जाते हैं, पहला कॉलम तो ऑलरेडी हम लोगों का मर्ज है, उसी तरह से दो कॉलम यहाँ भी हम लोगों को चाहिए होंगे। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन किया, डेटा मैं इंसर्ट करता हूँ, डेटा क्या है, गीता 60। सो विल राइट गीता इन द सेकेंड कॉलम, इन द थर्ड कॉलम वी विल राइट 60। फाइन, तो हम लोग चेक इट आउट करते हैं कि हमारा टेबल एज इट इज क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो हम लोगों का रिक्वायर्ड टेबल था, फाइन, जिस तरह का डिज़ाइन हम लोगों का रिक्वायर्ड टेबल था उस तरह का सेम डिज़ाइन ऑलरेडी हम लोगों का क्रिएट हो चुका है। फाइन, तो यहाँ पर किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न, रो स्पेन में, रो स्पेन का मीनिंग समझ में आ गया, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, ओके आशीष, यस सर, फाइन, अदर पर्संस, किन्हीं को और कोई कन्फ्यूज़न है क्या, ओके फाइन, सो लेट अस मूव, हम लोग और एक, चलिए हम लोग को, आप लोगों को एक और मज़ेदार चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि रो हम लोगों का यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है ना, और जिसके कारण जो है हमारा डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग चलिए एक और रो हम लोग क्रिएट करके, सपोज रो क्रिएट नहीं करते हैं, उसी में हम लोग सपोज यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस सी, और एक डेटा हम लोग कुछ भी इंसर्ट करने का कोशिश करते हैं, दिस इज रफ डेटा, ठीक है,
सपोज मैंने यहाँ पर टेस्ट दिया, ठीक है, ये डेटा क्रिएट किया कॉलम। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टेस्ट कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे इस रो में, उसी रो में क्रिएट हो रहा है बट आफ्टर दिस, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यह जो डेटा है वो ऑलरेडी, यह जो कॉलम है ये तीन यहाँ पर स्पेस ले चुका है, ठीक है, तो इसीलिए यह जो टेस्ट का जो था वो अनदर कॉलम वो क्रिएट कर दिया, न्यू कॉलम, फाइन। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, सपोज अगर हम लोग इसको दो दो कर देंगे हम लोग रोज पैन को, ठीक है, जो हमारा पिछला था कॉलम का, और उसके बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का दो ही रो हम लोगों का मर्ज हुआ, और तीसरे रो में जो ऑटोमेटिकली देखिए कि जिस तरह का हम लोगों का डेटा था वो डेटा हम लोगों का एंट्री हो रहा है, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट है रो स्पैन का, ठीक है, तो इसको हम लोग पुराने डेटा में यहाँ पर रखते हैं। नाउ हम लोगों ने तो रो स्पैन को, रो स्पैन का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने चेक इट आउट कर लिया। सपोज लेट अस सी, और एक हम लोग रो क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और उसमें हम लोग नॉर्मल डेटा रखेंगे विदाउट रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। तो यहाँ पर टी डी देते हैं, पहला टी डी में क्लास थ्री, और क्लास थ्री में पहला स्टूडेंट जो है सपोज मैं देता हूँ आशीष, ठीक है, एंड रोल नंबर इज सपोज 90। तो ये हम लोगों का तीन यहाँ पर डेटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेटा यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेटा हम लोगों का मेंशन हो गया। नाउ अगेन मैं क्या क्रिएट करता हूँ, और एक रो क्रिएट करता हूँ और क्लास फोर के लिए डेटा को रखता हूँ, दैट इज टी डी क्लास फोर, फाइन। क्लास फोर में भी हमारा सपोज एक मोहन नाम से एक स्टूडेंट है और इसका रोल नंबर भी 40 है, लेट अस अज्यूम दिस। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं, तो देख रहे हैं डेटा हमारा एज इट इज जो है कि वो क्रिएटेड होते जा रहा है, फाइन। जिस तरह से एज पर द रिक्वायरमेंट जितना आप लोग चाहेंगे वो उतना डेटा जो है आप लोगों का पर्टिकुलरली क्रिएट होता चला जाएगा, फाइन। तो ये था हम लोगों का रो स्पैन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों को क्या देखना है, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉलम स्पैन, ठीक है, कॉल स्पैन। सो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर सबसे लास्ट कॉलम देखें तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, इसी कॉलम में सारा डेटा हम लोगों का इंसर्ट होते जा रहा है, राइट। बट हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है टेबल का, यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों कॉलम को मिला करके टोटल रखना है, फाइन, एम आई राइट। यहाँ पर दोनों कॉलम को मिला करके हमको इसका हेडिंग प्रोवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉल स्पैन यूज करेंगे, कहाँ कॉल स्पैन यूज करेंगे, किसका डेटा हम लोगों को मर्ज करना है, कौन सा कॉलम मर्ज करना है, दैट इज द लास्ट कॉलम, टोटल कॉलम, फाइन। हम लोग कोड ओपन करते हैं, टोटल का हेडिंग में आते हैं, हम लोगों का यही कॉलम है जिसको मर्ज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू कितना कॉलम हम लोगों को मर्ज करना है, एक दो, फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टू मेंशन कर देंगे, उसका कोड को सेव कीजिए और लेट अस रिफ्रेश दिस पेज, फाइन। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा हेडिंग जो है ये दोनों कॉलम को मर्ज करके हमारा ये हेडिंग यहाँ पर इस तरह से आ गया, फाइन। तो ये था कॉन्सेप्ट रो स्पैन का और कॉलम स्पैन का, कि हम लोग टेबल में कैसे रो को मर्ज कर सकते हैं, कैसे आप इसको जो है कि कॉलम को पर्टिकुलरली रख सकते हैं, फाइन। तो इस तरह से आप जो भी आपका रिक्वायर्ड टेबल है उस टेबल को आप डिजाइन कर सकते हैं, फाइन। सिमिलरली अभी यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का दो कॉलम का वैल्यू यहाँ पर वैकेंट है, राइट। तो सिंपली अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल टी डी भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। सपोज किसका, यहाँ पर अगर हम लोग टेबल देखें तो इन द रो ऑफ आशीष, आशीष के जो रो हैं उसमें ये दोनों वैल्यूज खाली हैं। तो हम लोग कोड को ओपन करके
क्लासेस, यहाँ पर जो है डेटा हम लोग इस तरह से हम लोग ब्लैंक फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू हम लोगों का नहीं होगा। फाइन, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम लोगों का ये ब्लैंक टेबल का जो है सेल है वो क्रिएट हो गया, बट वहाँ पर डेटा हम लोग इंसर्ट नहीं किए। उसी तरह से यहाँ भी आप नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके आप यहाँ पर वैल्यूज़ को रख सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का ब्लैंक, जब आपको बिना कोई डेटा का अगर आपको सेल क्रिएट करना है ताकि आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉर्मेट एक अच्छा सा वो लुक हो सके, तो आप इस तरह से क्रिएट करके उसको रख सकते हैं टेबल में। फाइन, तो आई होप कि यहाँ से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टेबल्स कैसे बना सकते हैं अपने वेब पेज पे। किसी पेज पे अगर आपको टेबल में डेटा रखना है तो आप उसको कैसे यहाँ पर बना करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं किन्हीं का कोई क्वेश्चन, किन्हीं को कोई डाउट? आशीष, 900, सत्यम 900, ओके फाइन। और किन्हीं का कोई डाउट यहाँ? ओके, सो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। जो हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइन, वो है लिस्ट। ठीक है, कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने वेब पेज में लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आखिर लिस्ट का डिजाइन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, सपोज मुझे इस तरह से लिस्ट बनाना है, ये तो हम लोगों ने अभी टेबल देख लिया। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे कंट्री लिस्ट बनानी है, सपोज इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान, फाइन। सो इस तरह से जब हम लोग लिस्ट क्रिएट करना है तो उसको वेब पेज में हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट में कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर वेब पेज में। फाइन, तो हमारा जो लिस्ट होता है वो होता है थ्री टाइप्स का। ठीक है, जो लिस्ट हमारे होते हैं HTML पेजेस में वो होते हैं थ्री टाइप्स के। ठीक है, हम लोग देखते हैं उसको कि हम लोग लिस्ट को किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। फाइन, तो पहला जो लिस्ट होता है वह होता है हम लोगों का ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, पहले लिस्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सेकेंड जो होता है वह है हम लोगों का अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। और तीसरे लिस्ट को जो है बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फाइन, तीसरे को लिस्ट को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये तीन तरह का जो है हम लोगों का बेसिकली लिस्ट होता है HTML पेजेज में, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अनऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट जो हम लोगों का है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेबल का कोड था उसको अब हम लोग रिमूव कर देते हैं। फाइन, और पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हमारा सारा यहाँ पर पेज में कोई भी डेटा अब नहीं है। सपोज मैं यहाँ पर एक H2 हेडिंग देता हूँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट देखेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हम लोगों का अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग होता है वो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज UL और क्लोजिंग UL। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग है वो हम लोग यूज करते हैं UL।
और इसका भी क्लोजिंग टैग होता है फाइन यू एल। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स को हम लोग इस लिस्ट में रखना चाहते हैं वो हम लोग लिस्ट एलिमेंट को लिस्ट आउट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टैग एल आई, ठीक है एल आई। और इसका भी जो है स्टार्ट टैग एंड एंड टैग दोनों होता है। तो एल आई से हम लोग जो है हम लोगों का क्या होता है वो हम लोगों का आइटम को हम लोग लिस्ट आउट कर सकते हैं फाइन। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो बेसिकली सपोज यहाँ पर मैं फ्रूट्स का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज एप्पल, ठीक है। दूसरा जो है कि फ्रूट्स नेम मैं लिखता हूँ ग्रेप्स, गुआवा, फाइन। इस तरह से हम लोगों ने ये लिस्ट को क्रिएट किया। अब नाउ सेव द कोड एंड रिफ्रेश द ब्राउज़र। तो आप लोग जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोगों का बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट करने का मतलब है कि जिस तरह से यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होगा, यानी 1, 2, 3 इस तरह से मेंशन नहीं होंगे। यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप लोगों का एक डॉट्स इस तरह से जो है क्रिएट है एंड लिस्ट इस तरह से आपका ऐड होते जा रहा है। उसी तरह से मल्टीपल जितना भी आप एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर वो जो है आपका ऐड होता चला जाएगा। सिंपली आप लिस्ट में इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया फाइन। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि और भी इसी तरह से लिस्ट क्रिएट करो तो आप सिंपली अपने वेब पेज में जितना भी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 3 किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 3 हम लोगों का अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर पर्टिकुलर पेज में हमारा आ गया फाइन। तो अभी हम लोग एक ही रखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जो लिस्ट बना, लिस्ट में यहाँ पर देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, हम लोगों का डॉट आ रहा है फाइन, जो एक डॉट आ रहा है विथ डार्क डॉट यू कैन से हम लोगों का ये आ रहा है। इसका स्टाइलिंग भी जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट इज इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों के कुछ इसके टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है वह है डिस्क, ठीक है, यानी बुलेट जो आपका बनेगा, बुलेट पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा डिस्क टाइप का। तो टाइप यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए DISC, ठीक है। और हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डिस्क टाइप का था वो आपका। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सर्कल दिए टाइप, ठीक है, टाइप अगर हम लोग सर्कल दे रहे हैं तो हमारा जो लिस्ट का जो बुलेट्स पॉइंट है वो किस तरह से हम लोगों का बन गया, वो इसका डिजाइनिंग जो है वो सर्कल के तौर पर वो हमारा बन गया फाइन। उसी तरह से अगर इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोगों का क्या होगा, जो बुलेट्स पॉइंट होंगे वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो है हम लोगों का वो डिस्क जो था वो बाय डिफॉल्ट था, जिसके कारण जो हम लोगों ने डिस्क मेंशन किया बट वो चेंजेस नहीं हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट था। सर्कल जब हम लोगों ने दिया तो सर्कल वहाँ पे उसका टाइप आ गया, ठीक है, लिस्ट स्टाइल का टाइप जो है। उसके बाद फिर स्क्वायर जब दिया तो हम लोगों को स्क्वायर टाइप का मिल गया। अगर आप लोग जस्ट नॉर्मली अगर जो है कि अगर कुछ भी आप नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली जो है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं नन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन दी ब्राउजर्स, ब्राउजर्स के भी बेस्ड ऑन दी ब्राउजर्स यहाँ पर आपका चेंजेस स्टाइल होगा, ठीक है। तो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के कारण भी कुछ कुछ स्टाइल जो है कि हर ब्राउज़र पर वर्क नहीं करते हैं और उस तरह से होते हैं। तो बेसिकली आपका टाइप जो है वो क्या होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्टाइल है वो होगा डिस्क का, सेकंड जो होगा वो होगा सर्कल,
थर्ड जो है वो होगा स्क्वायर, और फोर्थ जो है कि वो होगा आपका जो है वो नन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को